हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी एनालिसिस में। फ्रेंड्स, मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होगी और मंडे को आपको पता है कि इवेंट सेशन है। कल जो है इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसके ऊपर बाजार को जो है रिएक्शन देना है। तो पॉसिबल है कि एक जैकपॉट जो है यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। तो दोनों हम सेटअप शेयर करेंगे और बिल्कुल डैम श्योर है कि दोनों साइड में से हमें किसी साइड जो है मूव मिल सकती है। तो दोनों साइड के लिए अपने आप को रेडी करना होगा। कल किसी ने कमेंट भी दिया था कि दोनों साइड से व्यू तो कोई भी दे सकता है, तो हमने बताया भी था कि भाई कल से आप भी देना शुरू करो अगर ये बात है तो। क्योंकि तो आप सबको पता है कि कल तो रिजल्ट है और आप कल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इलेक्शन का रिजल्ट है। इसके ऊपर शायद इलेक्शन लड़ने वाले को भी नहीं पता होता या श्योर होता है कि हाँ मैं जीत रहा हूँ कि हार रहा हूँ। तो हम तो फिर भी एक नॉर्मल जो है पर्सन है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। जानते हैं वो लेवल, जानते हैं वो प्लान। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और निफ्टी व्यू के चैनल पे आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए डेली हम एफएनडो डेटा की जो एनालिसिस करके साथ में चार्ट लेवल भी शेयर करते हैं, जरूर देखिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, @NiftyWiD है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए किसी भी लाइव अपडेट के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। देखिए, जो सपोर्ट के तौर पे इंपॉर्टेंट लेवल है बड़ा वाला, वो है 9600। अगर कल कहीं से भी कुछ गड़बड़ होती है और ये पलट के 96 को तोड़ने लगता है तो यहाँ से फॉर ए शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यहाँ से जो बिग टारगेट ओपन हुए हैं वो यहाँ से 10,000 के ओपन होते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो ये कल के कल भी जो है टारगेट जो है आपको आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, मंडे को टारगेट आता हुआ दिख जाएगा। अब हमें कैसे चलना है, अपना ब्लूप्रिंट क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम लोग इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं और चार्ट को जो है सबसे पहले नोट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है। तो प्रीवियसली कुछ दिन से मार्केट कैसे मूव कर रहा है, थोड़ा सा गैप अप होता है, फिर साइडवे मूव लेने के बाद नीचे, फिर गैप अप, फिर साइडवे मूव लेने के बाद ऊपर, फिर गैप अप, थोड़ा सा साइडवे धीरे धीरे करके ऊपर अगेन, जो इसी तरीके से फिर एक बड़ा सा गैप अप और उसी में कंसोलिडेट करके मार्केट अपनी क्लोजिंग कर दिया, साथ में कुछ दे गया हमें पैटर्न। तो अब हमें रिवर्सल कहाँ से कन्फर्म होगा, 9700 के टूटने से। जो डे का रिवर्सल यानी कि मंडे का जो रिवर्सल है वो 9700 के टूटने से होगा। यानी कि अगर 9685 स्क्रीन पे आने लगे, दिखने लगे कि इसके नीचे कैंडल होल्ड करने लगी, फिर आपके लिए यहाँ पे सेल सेटअप होगा और उस कंडीशन में आप पी बाई करके चलेंगे। और अगर आप बाजार में जो है 40-50 पॉइंट के गैप अप के साथ, 100 पॉइंट के गैप अप के साथ 9820 को निकाल लेते हैं तो फॉर ए टारगेट 10,000 आप जो एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको 10,000 का टारगेट लेना है तो अगली एक्सपायरी में, जो नेक्स्ट मंडे की एक्सपायरी है, उसमें एंट्री कीजिएगा। और अगर आपको करंट में जो भी मिलेगा या देख के बुक करेंगे लाइव में तो आप करंट एक्सपायरी में ले सकते हैं। अदरवाइज कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी में लीजिएगा। अदरवाइज ये काम कर सकते हैं कि करंट एक्सपायरी में ATM की कॉल ले लेंगे 9700 की, और फिर बाद में जो है जब 2 बजेगा, 1:30 बजेगा, 10,000 के करीब आके थोड़े से टारगेट 100 पॉइंट, 50 पॉइंट के पेंडिंग है और उसको भी लेना है तो उसको फिर हम उसको स्विच कर सकते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा आप याद रखिए, मिड कैप निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो हमारे देश के लोग होते हैं। इसमें नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट हैं यानी कि बाहर वाले, वो काफ़ी जो है यहाँ पे स्लो हैं या कह सकते हैं कि लो वॉल्यूम के साथ हैं। तो इसमें चूंकि इंडियन लोग जो है जाते हैं, भारतीय लोग जाते हैं, जो कि हमारे प्रो हो सकते हैं, जो कि हमारे रिटेलर हो सकते हैं, और आपको पता है DI भी हो सकते हैं। DI भले फंडो में ना बाई करें लेकिन कैश के स्टॉक बाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है। तो ये जो तीनों इसमें यानी कि जो मेजोरिटी या पब्लिक है मिड कैप निफ्टी में काम करने वाली, वो हमारी देश की है। और आपको पता है कि हम लोग ज़्यादा जो है बाई को जो है प्रीफर करते हैं। अभी तो खैर बहुत लोग बाई को प्रीफर कर रहे हैं, पहले भी अगर एक देखेंगे तो जो थीम चलती है कि नॉर्मली आप DI का देखेंगे तो कभी भी डेटा जो आता है वो बाई का ही आता है, सेलिंग का बहुत कम आता है। आई होप सब लोग एग्री होंगे, अपने कमेंट देके बताइएगा। तो यहाँ पे जो मेजोर जो सेटअप बनता है अच्छे ट्रेड के लिए या बड़े जो है ऑप्शन मूव के लिए, वो कॉल साइड ही बनता है। यानी कि कोई भी अगर डिप आती है नॉर्मल डे में तो बाई करके जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनते हैं मिड कैप निफ्टी। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 50 ट्रेड आप लेंगे और अगर आपने 50 में से 40 ट्रेड बाई के लिए, तो पॉसिबल है कि 35 में आपका टारगेट होगा और 5 में आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये दोस्तों फाइनेंस निफ्टी कह रहा हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, ये दोस्तों मिड कैप निफ्टी का जो है एक्सपायरी का एक मैंने जस्ट क्लू दिया ये वाला, ठीक है। तो कल के लिए इसको मत लीजिएगा, नॉर्मल डे में लीजिएगा। तो कल गैप अप की शुरुआत होती है, वैसे रिजल्ट तो आपको कल ही पता चल जाएगा कि मार्केट में होना क्या है कॉल, लेकिन आपको टारगेट नहीं पता था,
तो मैंने आपको टारगेट शेयर किया कि यहाँ से 10,000 के टारगेट दिख रहे हैं, और अगर इन केस खराब हो गया बीजेपी के लिए, जैसा कि र्यूमर उड़ रहा है मीडिया में कि मोदी जी को बाहर भेज दिया गया है क्योंकि उनको पता चल गया है कि बीजेपी लूज कर रही है, तो जो हार का ठिकरा है वो किसके सर फोड़ा जाएगा, वो पता नहीं कौन से नाडे के, क्या नाम उनका, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं याद है उनका, जो है नाम आ रहा है, तो मुझे नहीं पता कि क्या रिजल्ट होगा, क्या सच्चाई है, मोदी जी को भेजा गया कि मोदी जी खुद गए हैं। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे, हम अपने लेवल के ऊपर रहेंगे। तो अगर कहीं से भी कुछ गड़बड़ी होती है तो डेफिनेटली जितनी ऊपर जगह उतनी नीचे भी जगह है, तो उस कंडीशन में आपको 9600 के टारगेट आते हुए दिख जाएंगे, जो कि दो सेशन में जो हो सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की जगह भी है तो कोई डाउट नहीं है, आ सकती है आराम से। तो हमें कौन सा जो है कसम दिला रखी है किसी ने कि हम भैया कॉली बाई करेंगे या हम पुठी बाई करेंगे, आपको पता है हम तो लेवल मिस्ड हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी कि अगर बाई सेटअप मिला तो बाई कर लेंगे, सेल सेटअप मिला तो सेल कर लेंगे। तो कसम नहीं खानी है, हमने कोई शादी नहीं किया है कॉल से या पुट से, ठीक है, कि नहीं हमें लॉन्ग ही करना है, नहीं शॉर्ट ही करना है, जिस हिसाब से मार्केट जाएगा उस हिसाब से काम करना है। कसम खा के मार्केट में एंट्री मत लीजिएगा, ब्रेन को पूरा क्लियर रखिएगा, कभी भी जो है बायस मत होइएगा कि नहीं मुझे सेल ही करना है, नहीं मुझे बाई करना है, मार्केट जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे, बस इस हिसाब से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए चलते हैं ऑप्शन चैन डेटा पे। टोटल जो कॉल सेलर दोस्तों 3 लाख के करीब है और पुट सेलर दोस्तों 2,97,000, तो डेटा आप देख सकते हैं, तराजू पे डालेंगे तो पूरा जो है बराबर आएगा, कॉल में 3,000 ज्यादा है तो ये कोई बात होती नहीं है, आप सबको पता है 3,000 की कोई यहाँ पे वैलिडिटी है नहीं, इस जगह पे कोई भी जो इसका रिलेवेंस नहीं है कि 3,000 जो है यहाँ पे जाते हैं, 3,000 जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आईडीएम पे ध्यान दीजिए, तो काफी सारी पोजीशन आपको दिखाई दे रही है कि स्क्वायर अप हो चुकी है, ये वो लोग हैं जो काफी सेफ एंड सिक्योर रहना चाहते हैं और बिल्कुल फियर लेकर नहीं जाना चाहते, उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दी, इसका कोई भी अभी मीनिंग अभी निकालना बिल्कुल गलत होगा। और कॉल सेलर पे देखिए टोटल जो है 23,000 के जो है हाईएस्ट ओआई वाले हैं, यानी कि 9,800 के टूटते ही हमें पता चल जाएगा कि पारी अब बुल्स के फेवर में आ रही है, क्योंकि 23 के बाद सीधा जो ओआई है 27,000 का है जो कि 9,850 पे है, यानी कि 50 पॉइंट ऊपर, वो भी उसी तरीके से निकल जाएगा क्योंकि कोई खास अंतर नहीं है। इसके बाद 25,000 का है सॉरी, ये भी ऐसे निकल जाएगा और हम 10,000 की तरफ मूव करेंगे। पुट साइड में देखेंगे तो जो मेजर ओआई है वो सीधे जो है 9,700 पे है, यानी कि अगर कोई लेवल टूटता भी है तो 9,700 का सीधे जो है लेवल दिख रहा है, यानी कि 200 पॉइंट के बीच में कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो कॉल सेलर है वो ज़्यादा कन्विंस दिख रहा है, पुट सेलर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि सबको लग रहा है कि सिर्फ मार्केट यहाँ पे गिरने ही वाला है, सबने कॉल ही सेल किया है। खैर ये तो हमें मंडे पता चलेगा या कल पता चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो लेवल सेटअप है 97 एंड उसके बाद 9,600, ये मेजर लेवल है। तो पुट साइड में जो आपके लेवल मार्क हो रहे हैं 9,600 के हो रहे हैं और 9,700 के हो रहे हैं। कॉल साइड में जो लेवल्स मार्क हो रहे हैं क्लोज में 9,800 और 9,800 के बाद जो एक अच्छा लेवल जिसको हम बोलेंगे वो 9,900 ही है। हालांकि यहाँ पे वाई ज़्यादा है 9,850 पे, बट फिर भी शायद ये वर्क ना करे, ज़्यादा है तो क्या हुआ बाद में चेंज हो सकता है, वर्क करना होगा तो 9,800 ही वर्क कर देगा। तो अब हमारे पास ये जो 5 लेवल मार्क होके आए हैं इसमें से हमारे काम का जो है सिर्फ एक ही लेवल है, क्योंकि हमें तो स्टार्टिंग से ही कंफर्मेशन चाहिए, वो 9,800 है। तो 9,800 के अगर आप नीचे हैं तो समझिए कि मार्केट वीकेंड पे या खुल रहे तो भी, और 9,800 को आप तोड़ के निकलते हैं ऊपर की तरफ 9,850 पे खुलते हैं तो समझिए कि चांदनी चांदनी है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया और पता चला कि किसी ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की और हम जाके उसमें लॉन्ग कर रहे हैं, ये गलती नहीं करनी है, तो वेट एंड वॉच करके करना है। और जिसने अपना पेयर बनाया होगा या जिसने अपना रिस्क लेके कॉल बाई किया होगा वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा अपने हिसाब से, और जिसने रिस्क लेके पुट बाई किया होगा अगर उसका मौका नहीं मिलेगा तो उसको फिर लॉस बुक करना पड़ेगा, बिकॉज रिजल्ट सेशन है, इवेंट सेशन है, तो किसी भी साइड के लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है। बाकी दोस्तों जिसको कमेंट करना है कि दोनों साइड से व्यू देना आसान है, आप फ्री हैं क्योंकि काम भी वही हुआ है, अब क्योंकि इवेंट है तो काम तो वही करना पड़ेगा दोस्त, इसके लिए तो हम माफ़ी चाहेंगे और कुछ कर नहीं सकते हैं। करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस आपको जो है पसंद आई होगी, मंडे की मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, हर वीक में हम सिर्फ मिड कैप के लिए एक सेशन जो है देते हैं। अगर आने वाले टाइम में व्यू अच्छे मिलेंगे, लोगों के सपोर्ट रहेंगे, डिमांड होगी तो एक आध सेशन और जो है बढ़ाएंगे, तब तक के लिए एक ही सेशन है जो कि एक्सपायरी के लिए पोस्ट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।